पद्मावती नहीं चलेगी। फिल्म पद्मावती की रिलीज डेट जैसे जैसे नजदीक आ रही है, फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन भी तेज होता जा रहा है। लेकिन अब पद्मावती के मेकर्स के लिए इससे भी बुरी खबर है कि यूपी सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पद्मावती को रिलीज ना करने की अपील की है। इसके लिए राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव और बराफात को मुद्दा बनाया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार गृह विभाग ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव को खत लिखकर बताया कि पद्मावती फिल्म की कहानी और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने को लेकर व्याप्त जनाक्रोश है। इस फिल्म के रिलीज में शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। विभिन्न संगठन फिल्म के प्रदर्शित होने पर सिनेमा घरों में तोड़फोड़ आगजनी की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में मंत्रालय से अनुरोध है कि वो इस बारे में सेंसर बोर्ड को बताए, जिससे फिल्म के प्रमाणन पर निर्णय लेते समय बोर्ड के सदस्य जनभावनाओं को जानते हुए विधि अनुसार निर्णय ले सकें। पत्र में कहा गया कि क्योंकि प्रदेश में इस वक्त नगरीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, वोटों की गिनती 1 दिसंबर को होगी। 2 दिसंबर को बराफात का पर्व भी होना संभावित है, जिसमें पारंपरिक रूप से मुस्लिम समुदाय द्वारा व्यापक रूप से जुलूस निकाले जाते हैं। ऐसे में फिल्म के खिलाफ कोई प्रदर्शन होने पर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर अशांति उत्पन्न हो सकती है। यूपी सरकार का ये पत्र फिल्म पद्मावती के लिए किसी बुरी खबर से कम नहीं है, क्योंकि पहले ही कई संगठन फिल्म के रिलीज पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। अब एक राज्य की सरकार ही अपने हाथ पीछे खींच रही है तो फिर मेकर्स की टेंशन बढ़ना तय है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।